आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई से पहले पहले घोषित हो सकते हैं। ये बड़ी खबर जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई तक घोषित हो सकते हैं। 15 जुलाई वो तारीख है जिसके पहले सीबीएसई अपना रिजल्ट घोषित कर सकता है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी और ये बड़ी खबर जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई से पहले पहले घोषित हो सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में बेस्ट ऑफ 3 के नंबर जोड़े जाएंगे। ये और भी बड़ा अपडेट जो सीबीएसई की तरफ से मिल रहा है कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई से पहले पहले घोषित हो सकते हैं। 12वीं में विकल्प परीक्षा का मौका भी मिलेगा। ये और भी बड़ा अपडेट जो सीबीएसई की तरफ से मिल रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बची परीक्षाओं की मूल्यांकन योजना के ड्राफ्ट को स्वीकृति दे दी गई थी। ये और भी बड़ा अपडेट जो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से संबंधित जानकारी मिल रही है। ये सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई से पहले पहले घोषित हो सकते हैं। इसको लेकर बीते दिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हुई थी और याचिका में परीक्षाओं को लेकर रद्द कर दिया। ये कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए और अगले दिन मतलब आज का दिन शुक्रवार को एक और भी बड़ा अपडेट जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई से पहले पहले घोषित हो सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये बड़ा अपडेट जो अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में संशय बना हुआ था कि नतीजे कब तक घोषित होंगे। ये बड़ा अपडेट जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आ रहा है। आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई से पहले पहले घोषित हो सकते हैं। ये बड़ी खबर जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई तक घोषित हो सकते हैं। 15 जुलाई वो तारीख है जिसके पहले सीबीएसई अपना रिजल्ट घोषित कर सकता है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी और ये बड़ी खबर जो सीबीएसई बोर्ड की